हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विदिशाज क्रिएशंस। दिस इज कॉफी पेंटिंग ट्यूटोरियल कोर्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू द मटेरियल्स विच यू हैव रिक्वायर्ड। सो यू नीड अ पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स विच यू कैन यूज टू मेक एनी पेंटिंग। सो दिस इज द बेसिक मटेरियल and this is coffee painting, so you need any coffee. This is coffee powder, you can use any coffee, just it should be only powder form. Okay, you need one jar which is full of water. We need some soft brushes which you can use in watercolor painting also. These are some round brushes, you can use flat brushes also. And you need one spoon or a spatula or any other thing जिससे आप अपनी कॉफ़ी को dilute कर सकते हैं. Okay, so let's start. And yeah, you need one palette with the partition where you can mix and you can prepare the different shades of coffee. So first of all, I would see, this is the coffee. I am taking this much coffee in one section. Now I will divide these coffee in different parts. So this much coffee is here. Okay, after that I am taking this much coffee. Now rest coffee is there. Okay, now we have three parts of coffee powder. Now I will add the water. Basic technique is here only. Just you need to put water. One spoon water, just put it over there. Okay, and mix it with brush. See, it should be diluted properly. आपके एक भी लम्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए. यू नीड टू मिक्स इट प्रॉपरली. सी, एंड टू मिक्स इट दिस कलर और डिफरेंट शेड जानने के लिए आपको यू नीड टू यूज थ्री ब्रशेस एट द सेम टाइम, देन यू कैन डिफ्रेंशिएट द शेड्स ऑफ कॉफी पेंटिंग. नाउ आई एम पुटिंग दिस मच ऑफ वॉटर, जस्ट टू ड्रॉप हियर and mix it with another brush like this. Just mix it properly. आप जितना अच्छा इसको mix कर सकते हैं आप करिए. इसमें lumps नहीं होना चाहिए और ये बहुत अच्छे से dilute होना चाहिए. तो थोड़े patience के साथ आप इसको dilute करिए. पानी के proportion से, जैसे water proportion से आप अपने कॉफ़ी के डिफरेंट शेड्स को बनाते हैं. तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग ओनली कि व्हेन यू आर एडिंग वाटर, जस्ट यू हैव टू बी केयरफुल. सी, दिस इज लिटिल बिट थिक, यू कैन सी. मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, जस्ट इट इज कलर मिक्सिंग. देयर इज वन लम्प, सो आई हैव टू डाइल्यूट दिस फर्स्ट. ओके, लाइक दिस. There should not be any lumps, just you have to mix it properly. Now I think it's done. I have mixed only two drop of water. Okay, now I am keeping this brush separately. Now I will use third brush. And now this is one spoon water here and mix it. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ. आप पानी जितना कम होगा, डाइल्यूट करने में टाइम उतना लगता है, तो आप ये सोचकर मत परेशान होना कि आपकी कॉफ़ी डाइल्यूट नहीं हो रही है. इस वाले सेक्शन में हमारी कॉफ़ी
ने ज़्यादा टाइम लिया था डाइल्यूट होने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लेस वाटर था एंड इस सेक्शन में ज़्यादा वाटर था, तो इसको डाइल्यूट होने में बहुत ही लेस टाइम लगा है। अभी हमारे पास थ्री डिफरेंट ब्रशेज हैं। इस ब्रश के साथ मैंने इस पार्ट को बनाया था, इस ब्रश के साथ मैंने इसको, और इस ब्रश के साथ मैंने इसको। तो मैं तीनों शेड्स आपको पहले दिखाती हूँ। ओके, सबसे पहले जो आपको करना है, मैं पैलेट भी यहीं रखूँगी, शेड्स भी यहीं दिखाऊंगी आपको। ओके, सबसे पहले आप अपने तीनों ब्रशेस को क्लीन कर लीजिए, ठीक है, वाटर जार में डाल के इसको आप क्लीन कर लीजिए, जिससे आपको तीनों शेड्स प्रॉपरली समझ में आए। हमेशा जब भी आप काम करिए एक टिश्यू या रफ क्लोथ ज़रूर रखिए। मैंने ये ब्रश एकदम क्लीन कर लिया है। सबसे पहले मैं इस शेड को ले रही हूँ, जस्ट पुट योर ब्रश प्रॉपरली। ये देखिए, अभी यह मैं आपको शेड डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द शेड्स विच वी विल यूज इन द कॉफी पेंटिंग। ओके, अभी मैं ये ब्रश हटा दे रही हूँ, मैं सेकेंड ब्रश ले रही हूँ और मैं ये वाला सेकेंड शेड ले रही हूँ। ये देखिए, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द शेड्स, दिस इज डार्कर देन दिस। ओके सॉरी, ये वाला शेड हमने लिया। अब आपको दो शेड्स मिल चुके हैं। अभी हम जो शेड यूज करने जा रहे हैं वो है हमारा थर्ड शेड, विच इज़ द डार्केस्ट ऑफ दिस स्ट्रोक। बेसिक तीन स्ट्रोक्स होते हैं, ये देखिए, ये देखिए, सबसे ज़्यादा ये आप, ये डार्केस्ट है, ये उससे कम डार्क है, ये लाइट है। इससे भी लाइट शेड आप बना सकते हैं, जैसे आप सपोज इसमें बैकग्राउंड कुछ तैयार करना है जिसमें आपको बहुत ही कम, कुछ ऐसा करना है कि बहुत ही कम के साथ काम करना है, जस्ट आपको एक छोटा सा कुछ एकदम ही सिंपल बैकग्राउंड बनाना है। सबसे लाइटेस्ट शेड स्काई समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा वाटर और डालिए। ओके, और ये आपको जो शेड मिला वो है ये, देख रहे हैं। नाउ यू हैव फोर शेड्स, 1, 2, 3 एंड 4। ये आपकी फर्स्ट शेड हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस लाइटेस्ट शेड को हम यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इट लाइक इफ़ वी विल मेक द स्काई एंड द बैकग्राउंड। उसके बाद सेकेंड कोट जब कुछ उसके ऊपर हाईलाइट वाला पार्ट आएगा उसके ऊपर, इन चीज़ों से हम मोटिफ रेडी करेंगे। और ये जो लास्ट वाला डार्केस्ट शेड है, इसके साथ हम लाइनिंग वर्क और एकदम हाईलाइट वाले सेक्शंस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आज आपको एक छोटा सा यहाँ एक पैटर्न दिखाती हूँ, उसके बाद हम आपको जितनी भी पेंटिंग सिखाएंगे हम उसको आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। अभी इन चार शेड्स के साथ मैं आपको कुछ बताती हूँ। सबसे पहले तो आप एक फ्लावर बनाइए। ओके, सिंपल फ्लावर मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप टेक्निक वाइज आगे बढ़िए और कॉफी पेंटिंग की क्लियरिटी को समझ सकें, ठीक है। अब देखिए, या तो मैं डार्क शेड सबसे पहले कर लूँ या तो मैं लाइट शेड सबसे पहले कर लूँ। तो आई विल स्टार्ट विथ लाइट शेड। ये वाला शेड अभी मैं नहीं टच कर रही हूँ, मैं जो ये सेकेंड शेड था, सेकेंड नंबर वाला, उसको यूज़ कर रही हूँ। और जैसे आप वाटर कलर करते हैं टेक्निक के साथ, जस्ट आपको आउटलाइन से होते हुए अपने इसको फिल करना है। दिस इज़ योर फर्स्ट सेशन, तो मे बी थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी हो समझने में, बट धीरे धीरे नेक्स्ट सेशन से मैं आपको सारी तरह की चीज़ें बताऊँगी, कैसे आप अपने फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी कर सकते हो। ये देखिए, जैसे अब ये वाला है, मैंने इसकी सिर्फ, ठीक है, ये दो पेटल्स मैंने ऐसे कर दिया। अब सॉरी, ये मुझे लेना था, ये देखिए, ये वाला अब मैंने इस तरह से पैटल कर दिया। सॉरी, मैं बार बार वो ले ले रही हूँ। और इसको मैं आपको सारे शेड्स इस पर बता देती हूँ, ठीक है। ये दो मैंने सेम लिया, इसको ऐसे लिया, और उसके बाद
ठीक है। इस शेड के साथ मैंने इस तरह से पहले आपका बेस रेडी किया है, ओके। यहाँ पे और कोई शेड नहीं है, आई हैव यूज्ड ओनली दिस शेड टू मेक दिस फ्लावर, दिस पेटल्स, ओके। अभी आप चाहिए तो ब्रश चेंज करिए, या तो यू कैन यूज द सेम ब्रश। थोड़ा सा ड्राई हो जाने के बाद अब मैं ये वाला शेड, जो हमारा थर्ड नंबर का शेड था, उसको लूंगी। आप अपने ब्रश को फुल कलर के साथ भर लीजिए और जस्ट मेक द सेकेंड शेड आपका। यहां तक ही मैंने किया, ठीक है, ओके। इसको मैंने जो शेड था सेकेंड, यहां पे मैंने और इसके बाद इस शेड को मैंने यहां पे डाला, और ये वाला जो सेकेंड शेड था इसको मैंने ओके। मैं थोड़ा पास कर दूँ कैमरा, आपको समझ में आएगा, ओके। ये देखिए, ये डिफरेंट शेड्स आपको दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए, दो शेड का डिफरेंस आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा। अभी हम उस पर थर्ड शेड यूज़ करेंगे। ये हमारा डार्केस्ट शेड था, ठीक है। इस पर हम अपनी ब्रश को अच्छे से डिप करेंगे और ब्रश को क्लीन करके टिप बना के हुए हम जस्ट वी विल मेक द अगर ये थोड़ा नहीं चल रहा है, इट मीन्स इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो आप बहुत ही लिटिल बट वाटर यूज़ कर सकते हैं जिससे ये आपका ईजली चल सके। ये देखिए, सिर्फ मैंने लाइंस बनाई। ये आपका फर्स्ट शेड था, ये सेकंड शेड एंड ये थर्ड शेड। इसी तरह आपको इसको भी पहले कवर करना है। ओके, सारी आउटलाइंस पहले हम बना लेंगे, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा शेड्स का। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें आप कॉफ़ी के डिफरेंट शेड्स के साथ आप इंट्रोड्यूस होते हैं, ओके। ये देखिए, अब बहुत ही क्लियरली यू कैन सी द थ्री शेड्स ऑफ द कॉफी पेंटिंग, ओके। अभी जो हमने ये वाला शेड बनाया था एकदम लाइट वाला, इसके साथ आप बीच वाले पोर्शन को फिल कर दीजिए, ओके। अभी ड्राई होने में थोड़ा दो तीन मिनट टाइम लगेगा, तब तक हम इस पे वर्क करते हैं। अब जो सबसे आपका लाइटेस्ट शेड था, सॉरी डार्केस्ट शेड था, ये वाला शेड, इसके साथ आप यहाँ पे जब आप इसके ऊपर अगेन ये यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट और क्लियरली आपको दिखेगी ये शेड, लाइक दिस, ओके। नाउ यू कैन सी क्लियरली दिस व्यू, सी ये लाइन आपको दिख रही है, दिस इज द थर्ड वाला शेड, ओके, नो फोर्थ वाला, द डार्केस्ट वन। अभी आपको इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, ओके, एंड जस्ट ये देखिए, इसके साथ आप इन पेटल्स को थोड़ा थोड़ी इस शेड को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पे भी आपको क्लियर दिख रहा है ये शेड, ओके। अभी जो इस पे था, नाउ आई एम यूजिंग दिस शेड ऑफ, ओके, इसको आपको जस्ट यू हैव टू मेक द फुल लाइन ओवर देयर, ओके, लाइक दिस, जस्ट आपको सी, यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ द कॉफी शेड्स। अभी हम इस पर आते हैं, अगेन आपको थोड़ा सा जस्ट यू हैव टू मेक द आउट लाइन,
Okay, and now again you have to do make some line over there. Okay, see the difference of the coffee shades and the lines. यहाँ पे अगेन आप अपनी यू कैन मेक द लाइन्स लाइक दिस. ओके, नाउ यू कैन पुट सम ड्रॉपलेट्स ओवर देयर विद द डार्केस्ट शेड ऑफ द कॉफी पेंटिंग. ओके, दिस इज आर डार्केस्ट शेड विच आई एम यूजिंग टू मेक सेंटर पॉट ऑफ द फ्लावर. ओके, Now you can see the difference of all the shades and techniques. These are the basic techniques. These are the basic techniques to mix the coffee coloring. Now you can make your own shades, but you have to remember one thing only. जो shade आप चाहते हैं उसके according you have to put the water inside the coffee powder. Okay, so this is the simple pattern, because this is the first session of coffee painting. That's why I taught you how to mix the water in the coffee powder and how can you use the different shades of the coffee powder. हमारे पास कॉफी सिर्फ एक थी, उसके साथ हमने डिफरेंट शेड्स लिए हैं. दिस इज द सैम्पल ऑफ द कॉफी पेंटिंग. नेक्स्ट सेशन में हम आपको इसके आगे ले चलेंगे. दिस इज द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन. तो आप प्रैक्टिस करिए, अपनी कॉफी रेडी रखिए और नेक्स्ट सेशन में हम आपको इसके आगे बढ़ाएंगे. ओके, टिल देन टेक केयर, बाय.